हाय दोस्तों, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं आज। तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। दो चम्मच तेल डालेंगे इसमें कुकर में। तेल को गर्म होने देते हैं हल्का सा। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। दो बड़ा प्याज काट के रख लिए हैं, उसको डाल देते हैं। एक टमाटर है, उसको भी काट के रख लिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट है एक चम्मच। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, धनिया एक चम्मच। थोड़ा सा हमको धनिया कम लग रहा है, इसलिए एक चम्मच और डाल देते हैं। गरम मसाला आधा चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको हल्का सा पानी डाल के एक कप के करीब, अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसको प्रेशर आने तक हम पका लेते हैं। आ चुके हैं, अब इसको हम बंद कर देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें तेल डाल देते हैं दो चम्मच के करीब। एक बॉइल किया हुआ अंडा है, इसको हम छील लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं। एक एक करके आराम से डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से लाल करके हमको भूनना है, चारों तरफ से लाल हो जाए इस तरह से भुनना है। अब अंडा का कलर चेंज हो गया है, अब हम निकाल देते हैं इसको, एक बॉल में निकाल देते हैं। अब कुकर का प्रेशर निकल चुका है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको कढ़ाई में भून लेते हैं। अब हम सारे मसालों को तेल में भून लेंगे। अब पूरी तरह मसाला भून चुका है, अब इसमें हम दो कप पानी डालेंगे। अब इसको ढक करके दो मिनट पकाएंगे। अब ढक्कन उठा के देख लेते हैं इसको, ये उबल गया है करी हमारा। और इसमें अब डाल देंगे एक एक करके अंडा सारा, और उसको दो से तीन मिनट और पकाएंगे ढक के। अब ढक्कन उठा के देख लेते हैं, अंडा करी बनके पूरी तरह तैयार है।